वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। बिजनेस, हाउस वार्मिंग, लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, फुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइलो, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हूँ। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं अब्रॉड में अच्छी जॉब कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी कि कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। घर परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एक दशक से सऊदी अरब में ड्राइवर की नौकरी कर रहे जनपद निवासी 50 वर्षीय राजबली के गृह जनपद आने से पहले ही उनकी मौत की खबर आ गई पूरे क्षेत्र में, जिसके चलते कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चैनपुर कोतवाली क्षेत्र के सुखम दत्त नगर गांव के निवासी राजबली की मौत की सूचना 2-2.5 महीने के बाद परिजनों को व्हाट्सएप के जरिए प्राप्त हुई। सऊदी से व्हाट्सएप पर आए मृत्यु प्रमाण पत्र से परिजनों को इसकी जानकारी हुई। मृत्यु प्रमाण पत्र पर राजबली की मृत्यु 23 मई 2020 को हुई दर्शाई गई है। वहीं मृत्यु का कारण आत्महत्या बताया गया है। परिजनों ने बताया कि 21 मई को उनसे बात हुई तो वे काफ़ी स्वस्थ व खुश थे। 23 मई को उनकी मौत हुई। परिजनों ने उनकी हत्या की आशंका जाहिर की है। जिलाधिकारी को मृतक की पत्नी ने प्रार्थना पत्र सौंप उनके अंतिम दर्शन की इच्छा जाहिर करते हुए मृत्यु के सही कारण को स्पष्ट किए जाने की मांग की है। तो वहीं मृतक की बेटी ने सऊदी अरब प्रशासन से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने की जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। हमारा पति 10 साल से रहता था सऊदी, गला घोट के मार दिया जी। हम लोग को यही है कि वो कर रहा है गला दबा के मार दे, गला दबा के लोग मारे गए। हम लोग को कुछ राजबली का हमारे पापा है, वो सऊदी मजदूरी करते थे। हाँ, बस यही हम लोग आए हैं कि हम लोग कुछ मदद मिल जाए। व्हाट्सएप जरिए उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आया है। हाँ, इसके पहले बातचीत होती थी, 2 महीना पहले बात हुई है और रमजान के बाद बात नहीं हो, जब लगाया गया तो वो बताए हैं कि अभी बात करा देंगे। 2 बार हम लोग यहाँ से फ़ोन किया कि बात करा देंगे, बात करा, लेकिन वो मालिक वहाँ कपिल वो बात नहीं करा रहा था, इस बात को छिपाया रखा। प्रदेश की कानून व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने की बात करते हुए कांग्रेसजनों ने शुक्रवार को अग्रसेन चौक पर मृत कानून व्यवस्था का पिंडदान किया। इस दौरान मौके पर फर्राटे से पहुंची पुलिस ने मृत कानून व्यवस्था का पिंडदान रोक दिया। सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कांग्रेसजनों का कहना था कि प्रदेश में रोजाना डकैती, हत्या, बलात्कार, छिनैती की घटनाएँ तेजी से बढ़ रही हैं। प्रदेश सरकार इन्हें रोकने में पूरी तरह से असफल व विफल है। प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है, जिसे कांग्रेसजनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। अपने आक्रोश को जाहिर करने के लिए उनके द्वारा मृत हो चुकी कानून व्यवस्था का पिंडदान किया गया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था कायम करने में असफल हो गई है। लगातार रोज हत्याएं, बलात्कार, डकैती, छिनैती हो रही हैं। 30 लाख फिरौती देने के बावजूद भी कानपुर में जिसका अपहरण किया गया था वह यादव बदमाशों द्वारा मारा गया। इसको लेकर के हम लोगों ने आज कानून व्यवस्था ध्वस्त होने को लेकर के मृत कानून व्यवस्था का पिंडदान किया है और आगे इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बेटी बचाओ के नारे व मुहिम के बीच कप्तानगंज के बरसरा खालसा गांव निवासी विद्याकांत गौतम पर बीती और बीत रही शर्मसार कर देने वाली है।
इनकी बिटिया को गैर धर्म के दबंग लोगों ने जबरदस्ती अगवा कर इलाहाबाद और असम तक ले गए। रोजाना इनकी बेटी बलात्कार के दंश को झेलती रही। अपहरणकर्ताओं ने उसका गर्भपात तक कराया है। महीनों तक तमाम शारीरिक यातनाएं उसे दी गई हैं। किसी तरह जब वह उनके चंगुल से भागने में सफल हुई तो पिता विद्याकांत के पास पहुंची। झकझोर देने वाली इस घटनाक्रम में पुलिस की उदासीनता बेहद ही दुखदायी रही। सभी तरह के प्रमाण विवरण देने के बाद भी पीड़िता को मुकामी पुलिस न्याय दिलाने के प्रति लगातार उदासीन बनी हुई है। पिता विद्याकांत गौतम ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप बेटी को न्याय दिलाने की गुहार लगाते हुए दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की। बेटी का मेरे बेटी मधुबाला को मेरे गांव का अब्दुल कलाम अब्दुल रहमान पुत्र इरशाद ये लोग भाला फुसला कर भगा ले गए थे और जिसका जो है मुकदमा मैंने कप्तानगंज में किया था लेकिन मेरी सुनवाई हुई नहीं थी। वो लोग दबंग हैं और मैं बहुत मजबूर और गरीब आदमी हूँ। किसी तरह से दाने दाने को तरसता हूँ लेकिन मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ। क्या चाहते हैं आप? श्रीमान जी, मेरी लड़की को बहुत ले जा करके प्रताड़ित किए, बहुत परेशान किए, मारे पीटे और इसके बाद में उसे जलील किए, उसे ना जाने कितना मुसीबत और संकट दिए। मैं न्याय का गुहार लगाता रहा लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल पाया। श्रीमान जी, किसी तरह से मेरी बेटी उनके सताने से और उनके मजबूर करने के कारण वहाँ से जान बचा करके भागी और रास्ते में आकर के किसी अनजान आदमी से भूल किया। इसके बाद में मैं जाकर अपने बेटी को लाया और आज भी मैं गुहार लगा रहा हूँ लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला है। इंटरलॉकिंग नाली, जल निकासी और जल आपूर्ति की समस्या झेल रहे एलवल मोहल्ले के निवासियों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप अव्यवस्थाओं को दूर किए जाने की मांग की। मोहल्लेवासियों ने बताया कि लाखों रुपए की लागत से मोहल्ले में मिनी नलकूप की बोरिंग हुई। यह नलकूप पिछले 5 महीनों से खराब पड़ा है। जल आपूर्ति रुक जाने से मोहल्लेवासी पानी के लिए तरस रहे हैं और कहीं उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही। पूरे मोहल्ले की जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त पड़ी है। नालियाँ टूट चुकी हैं, इंटरलॉकिंग जगह जगह से धस गई है। रोजाना लोग हादसों के शिकार हो रहे हैं। हमारे यहाँ मिनी नलकूप लगा हुआ था जो कि 5 महीने से खराब पड़ा हुआ है और उस बोरिंग को हमने कई बार शिकायत की EO और जल निगम के अधिकारी से और साथ में नगरपालिका सभासद और अध्यक्ष से, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। और साथ में मोहल्ले में एकदम इंटरलॉकिंग की व्यवस्था और वो नाली दोनों समस्या बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है मोहल्ले वाले, जिसको शिकायत लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं ताकि हम लोग मतलब जल्द से जल्द मोहल्ले की समस्या को हल हो के और पानी की समस्या दूर हो। सर बोले हैं देखेंगे, आप ज्ञापन दे दिए हैं, वो बोले हैं देखेंगे। हम आगे हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्द हमारे मोहल्ले की समस्याएं दूर हो। गांव के खेलकूद के मैदान पर दबंगों के कब्जे की शिकायत लेकर पहुंचे ये ग्रामीण मेहनगर तहसील की ग्राम पंचायत पलिया सोफीगंज के निवासी हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत पलिया सोफीगंज के राजस्व गांव देवसाड़ में खेलकूद के मैदान पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। लेखपाल दबंगों से मिलकर कब्जा नहीं हटवा रहे। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप सक्षम अधिकारी से जांच कराकर दबंगों के कब्जे से गांव के खेलकूद मैदान को मुक्त कराए जाने की मांग की है। गांव में खेलकूद का मैदान था जिसे गांव के कुछ दबंगों ने कब्जा किया हुआ है, अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसकी दरखास्त हमने SDM साहब को दिया था। वहाँ से अप्लीकेशन की सुनवाई हुई, वहाँ पर जाँच करने के लिए लेखपाल लोग आए थे, वहाँ पर बराबर सीमांकन नहीं किए, वहाँ पर जैसा कब्जा था कब्जा वहीं को वहीं पड़ा हुआ है और वहाँ पे आए गाली गलौज करके चले गए। तो फिर हम वहाँ थक हार के यहाँ पे आए, कलेक्ट्रेट ऑफिस आए थे DMG के पास, वहाँ पे एप्लीकेशन दिए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ न्याय मिलेगा।